हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे पीजीटी इंग्लिश नोट्स शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको शॉर्ट्स में इसके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आज की 5 क्वेश्चन मैं नोट्स कर लेके आई हूँ, और ये मैंने लिए हैं सॉल्व पेपर 2021 से। ठीक, उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन था कि लिटिल डॉरिट जो है एक नावल जो चार्ल्स डिकिन्स ने लिखी है, इसमें हम्बर्ग कैस्पी, ठीक, ये कैसा करेक्टर था। तो उसमें ये लिटिल डॉरिट में ये फनी करेक्टर हुआ करता था, हम्बर्ग कैस्पी। सेकंड क्वेश्चन है द सन आल्सो राइजेस इज अ नावल, ठीक, ये किसने लिखी है नावल। ये नावल लिखी है बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये पब्लिश कब हुई थी 1926 में। थर्ड क्वेश्चन, पेस्टोरल लिटरेचर इज अ क्लास लिटरेचर, ये क्वेश्चन था कि विलियम शेक्सपियर ने उनका कौन सा प्ले या ड्रामा ये पेस्टोरल लिटरेचर का एग्जांपल है। तो इसका एग्जांपल था एज यू लाइक इट। पेस्टोरल लिटरेचर क्या होता है, जो कि एक ऐसा लिटरेचर होता है जो उसमें रस्टिक लाइफ यानी कि गांव की लाइफ या थोड़ी देहात टाइप का जो लाइफ होता है उसमें दिखाते हैं, ठीक है, जो जंगल से रिलेटेड होते हैं, जो शेपर्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक, फ्री फ्रॉम करप्शन ऑफ सिटी लाइफ, शहर की लाइफ से दूर, ऐसा होता है पेस्टोरल लिटरेचर। पेस्टोरल रोमांस टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रीक पेस्टोरल नॉवल्स एज यू लाइक इट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ पेस्टोरल रोमांस, इट टेक प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में प्ले हुआ था, इट फीचर्स सेपरेटनेस एंड अ गॉटेट्स। फोर्थ क्वेश्चन था, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय हुम, ये लिखा है टी एस एलियट ने, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1915 सितंबर में, और उसका नाम था बुक पर जिसमें ये पब्लिश हुआ था, मैगजीन का अदर्स, अ मैगजीन ऑफ द न्यू वर्स। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, एसे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एसे किसने लिखा है। तो ये वाला जो एसे इज रिटन बाय अन इंग्लिश एसेस्ट लिटरेरी क्रिटिक विलियम हैजलिट, ठीक, ये कब लिखा है उन्होंने, 1805, ओके, और इनका टाइम पीरियड थे ये 1778 से 1830 तक। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही नोट्स, बाकी के नोट्स आप यूट्यूब शॉर्ट्स से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थैंक यू।